मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हम मैक्स वेबर की बात करना हमने कल चालू करा था। आज हम मैक्स वेबर का सोशल एक्शन का सिद्धांत जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें ये समझना है कि मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के आधार पर ही समाजशास्त्र की परिभाषा दी। क्या परिभाषा मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी की दी थी? सोशियोलॉजी इज एन इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन इन ऑर्डर देयर बाय टू अराइव एट अ कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट। तो ये उन्होंने परिभाषा दी थी जिसके अंदर सोशल एक्शन का एक बहुत उन्होंने उस चीज़ को एम्फेसाइज करा या उसके ऊपर जोर दिया। अब हमें देखना है विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एज गिवन बाय मैक्स वेबर। उससे पहले हम सोशल एक्शन की जब बात करते हैं तो उसमें हम कुछ एक चीज़ें पहले डिस्कस कर सकते हैं जिससे आप लोग वो टाइप्स बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। टैल्बर्ट पार्सन्स आपने सुन रखा होगा, समाजशास्त्री, उनका नाम अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने भी इस विषय में बात कर रखी है। दो तीन चीज़ें हैं जो हमें देखनी है एक्शन के रिगार्डिंग, कि एक तो होता है एक्ट, है ना, कोई भी हम काम करते हो गया एक्ट। एक होता है गोल, गोल मतलब हमको लक्ष्य एक निर्धारित करना होता है कहाँ हमको पहुँचना है, और एक है मीन्स, मीन्स मतलब कहाँ कौन से हमको साधन इस्तेमाल करने हैं उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। एक होता है एक्टर, तो एक्टर जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है उसके क्या गोल्स हैं, उसको वो गोल्स कौन से मीन्स से हासिल करने हैं। मान लीजिए मुझे पुष्कर में मैं हूँ, मुझे यहाँ से अजमेर पहुँचना है, तो मेरा गोल क्या हो गया, मेरा डेस्टिनेशन जहाँ मुझे पहुँचना है। अब वो मैं किन मीन्स के द्वारा पहुँच सकती हूँ, मैं बस से भी जा सकती हूँ, मैं अपनी गाड़ी से भी जा सकती हूँ, मैं टू व्हीलर से भी जा सकती हूँ, मैं कहूँ कि चलो पैदल चल के जाऊँगी, 3-4 घंटे में पहुँचूँगी। तो कौन से माध्यम हो सकते हैं, वो हमारे हो गए मीन्स। ये चीज़ें ध्यान में रख के हमें सोशल एक्शन समझने में आसानी रहेगी। सोशल एक्शन का मैक्स वेबर ने बताया, मैंने पहले आपको बच्चों ये चीज़ बताई थी कि मैक्स वेबर जो थे वो जर्मनी को बिलोंग करते थे, ही बिलोंग टू जर्मनी। इसलिए जो वो टाइप्स ऑफ एक्शन हैं जो उन्होंने लिखे हैं वो जर्मनी के उसमें भी भाषा में ही वो करे हैं, बाद में उसको इंग्लिश में हम वो करते हैं, तो ज्वैट रैशनल। ज्वैट रैशनल नंबर वन, नंबर टू वर्ड रैशनल, नंबर थ्री अफेक्चुअल, एंड नंबर फोर ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, है ना। तो ये चार प्रकार के सोशल एक्शन मैक्स वेबर ने बताए, ज्वैक रैशनल, वर्ड रैशनल, अफेक्चुअल और ट्रेडिशनल। इन सभी सोशल एक्शन के अंदर हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वेदर दे आर वैल्यू ओरिएंटेड। एक चीज़ और वेबर ने बताई जो कि यहाँ पर हमको बात करनी जरूरी है, एक वर्स साइन, वर्स एन, ये एक मेथडोलॉजी टेक्निक की उन्होंने बात करी। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, है ना, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी जो भी एक्शन है, पहले तो हमने ये देखा कि एक्शन जो है वो सोशल कैसे बनेगा, हाउ अ
हाउ एन एक्शन कैन बी कॉल्ड अ सोशल एक्शन। जब तक कोई भी एक्शन, मान लीजिए उसके अंदर हम कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं डालेंगे, तब तक वो कोई भी एक्शन जो है वो सोशल एक्शन नहीं बनेगा। मैं अकेले में अपने कुछ कहीं पे कुछ करके काम कर रही हूँ तो वो कोई सोशल एक्शन नहीं हो गया। इन ऑर्डर टू मेक इट सोशल एक्ट, इन ऑर्डर टू मेक एक्शन अ सोशल एक्शन, वी हैव टू सी दैट हाउ कैन वी अटैच सम काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, हाउ कैन वी गिव इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग टू दैट एक्शन। तो उससे ही वो एक्शन जो है वो सोशल एक्शन बनेगा या सामाजिक क्रिया बनेगी। अब अलग अलग तरह की हमको वेबर के द्वारा दी गई चार क्रियाएं हैं। ज्वैक रैशनल एक्शन की जब हम बात करते हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वेबर के जो एक्शन है उसके अंदर मींस गोल्स है ना, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन है, या उसके अंदर आपको गोल ओरिएंटेड कहीं पर आपने क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य अचीव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलग अलग तरीके के जो एक्शन है उसके अंदर वेबर ने अलग अलग चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करा है या जोर दिया है। अब वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, या सबसे पहले हम गोल ओरिएंटेड एक्शन की बात करते हैं। ज्वैक रैशनल एक्शन गोल ओरिएंटेड में क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू अचीव आर गोल। ऑलराइट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ वी अचीव आर गोल, हम अपना लक्ष्य जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। दूसरा हो गया वर्ड रैशनल, इसके अंदर हमें हिंदी में भी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ नाम इनके कौन से हैं। वर्ड रैशनल पहला ये आपका हो गया गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन वे क्रियाएं जो लक्ष्य तथा उनको पूरा करने के साधनों के तार्किक चयन से संबंधित हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा रहा है। उसका हम उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ भी हमको काम करना है उसके अंदर हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो लक्ष्य प्राप्ति को है। दूसरा नंबर का जो वेबर ने एक्शन दिया है वो है वैल्यू ओरिएंटेड सोशल एक्शन, मूल्यों से संबंधित ये एक्शन है और इसका संबंध उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से है जो तार्किक नहीं है मगर उन्हें प्राप्त करने के लिए तार्किक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मूल्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर तीसरा है अफेक्चुअल सोशल एक्शन, जो हमने थर्ड नंबर पे वेबर ने बात की है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनका संबंध व्यक्ति की भावनात्मक दशाओं से होता है, ना कि साधन साध्य के तार्किक मूल्यांकन से होता है। अर्थात इसके अंदर आप ये देखते हैं कि व्हाट आर इमोशंस, है ना। एक माँ यदि अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है या उसके पीछे कोई वैल्यू की वजह से नहीं कर रही, इट इज़ ओनली बिकॉज शी इज दैट चाइल्ड इज हर ओन एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई शी इज़ लविंग हर चाइल्ड। तो वो इमोशनल है एक्शन। तथा चौथा एक्शन जो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, उसके अंदर मैक्स वेबर ने बताया कि ट्रेडिशनल सोशल एक्शन इज दैट एक्शन विच वी परफॉर्म बिकॉज वी हैव सीन दैट आर एल्डर्स और अदर पर्सन्स दे हैव ऑल्सो बीन डूइंग सो। इसके पीछे कोई ऐसा कोई तार्किक तथ्य या रीजन नहीं है। मान लीजिए हम कोई नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं, कोई गृह प्रवेश करते हैं, तो हम
नारियल फोड़कर वो करते हैं या नई गाड़ी लेकर आते हैं उसमें इस तरह से उसका वो करते हैं नारियल डालकर और फिर पूजा करते हैं कुछ, तो ट्रेडिशनल एक्शन या हम बड़ों के पैर छूते हैं तो उसमें जो वो है वो हमने देखा है कि हमारे बड़े भी इस तरीके से करते आए हैं, इसलिए ये ट्रेडिशन कायम है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। तो ये मैक्स वेबर ने चार तरह के एक्शंस बताए, ज्वैक रैशनल, वर्ड रैशनल, अफेक्शनल एंड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। हिंदी के अंदर इनके नाम हैं तार्किक अर्थपूर्ण, दूसरा मूल्यों से संबंधित, तीसरा भावात्मक और चौथा परंपरागत यानी ट्रेडिशनल। चार तरह के सोशल एक्शन या सामाजिक क्रियाओं की बात मैक्स वेबर ने की है। आशा है कि आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा, यही चीज़ आप थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच मोर क्लियरली। थैंक यू।